दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपनी फेसबुक आईडी पर या फिर अपने फेसबुक पेज पर अगर फेसबुक स्टार मोनेटाइजेशन के फीचर को एनेबल करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि फेसबुक ने जो न्यू अपडेट किया उसमें आप अपनी फेसबुक आईडी से भी अर्निंग कर सकते हैं और अपने फेसबुक पेज से भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर रेगुलर पोस्ट वगैरह करते हैं या रील्स वगैरह क्रिएट करते हैं, वीडियोज वगैरह डालते हैं, और तो आप अपने फेसबुक आईडी या फिर अपने फेसबुक पेज को इस मोनेटाइजेशन के थ्रू मोनेटाइज कर सकते हैं। और उससे क्या होगा कि कोई भी व्यूअर आपके वीडियो वगैरह पर आगा, आपकी पोस्ट पर आगा, तो आपको यहाँ पर स्टार प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक रील मैंने ओपन की हुई है और ऊपर की साइड आपको यहाँ पे एक स्टार का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो 400 स्टार इस वीडियो पे इसे मिल चुके हैं। अब स्टार की अगर वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 82 रुपीज के करीब स्टार की वैल्यू होती है। तो आप सोच सकते हैं कि इसको 400 स्टार यहाँ पे मिल चुके हैं तो इसकी कितनी अर्निंग हो चुकी है। इसी तरह से आप भी अपनी फेसबुक आईडी या अपनी फेसबुक पेज के द्वारा अर्निंग करना चाहते हैं तो आप इस फीचर को एनेबल कर सकते हैं और आप भी इस तरह से स्टार के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। और ये पेमेंट आपको पेपल के अकाउंट में या फिर आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट मिल जाता है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को इसी का प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप अपने फेसबुक आईडी या फिर अपने फेसबुक पेज पर स्टार मोनेटाइजेशन के फीचर को किस तरह से एनेबल कर सकते हैं और किस तरह से अपनी अर्निंग फेसबुक से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले, जैसे कि मेरी फेसबुक आईडी मैंने ओपन करके रखी हुई है और मैं अपने डैशबोर्ड में आ चुका हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है प्रोफेशनल डैशबोर्ड का। तो ये ऑप्शन आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप अपने नॉर्मल फेसबुक अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर लेंगे। फेसबुक की नॉर्मल आईडी को प्रोफेशनल अकाउंट में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपको ये नहीं पता तो इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी फेसबुक आईडी को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप अपने फेसबुक आईडी को यहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जैसे मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको किस तरह का इंटरफेस मिलता है। नीचे की साइड आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिलता है टूल वाले सेक्शन में, अब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर आपको स्टार का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे टैप करके आप इसका सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सेटअप किया हुआ, अब यहाँ पे मेरे को जितने भी स्टार मिलेंगे उससे जितनी भी अर्निंग होगी वो मुझे यहाँ पे पूरी शो हो जाएगी। इसी तरह से आप इसको एनेबल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास कोई पेज है तो उस पर भी आप इसको एनेबल करके उससे भी अर्निंग कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसके क्राइटेरिया की बात कर ले, तो क्राइटेरिया है दोस्तों कि आपका चाहे फेसबुक पेज हो या फिर आपकी आईडी हो, आपके आईडी या आपके पेज पर 1000 फॉलोवर्स का होना जरूरी है। अगर आपकी आईडी या पेज पर 1000 फॉलोवर्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसको एनेबल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको अपनी आईडी ओपन करके दिखा दी, मैंने इस पे एनेबल करके रखा हुआ है। तो आज मैं आपको पेज पे एनेबल करके दिखा देता हूँ, दोनों का प्रोसेस सेम रहने वाला है, चाहे आप अपने आईडी के लिए इसको एनेबल करें या फिर अपने पेज के लिए। तो चलिए यहाँ से मैं अपने पेज को स्विच कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने दूसरे पेज को यहाँ पे स्विच कर लिया, ये पेज भी मेरा एलिजिबल है। तो चलिए फिर से प्रोफाइल पिक्चर पे चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं, आपको भी इस तरह से इसको ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद आपको करना क्या दोस्तों की नीचे की साइड आना है और नीचे की साइड यहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको स्टार का ऑप्शन मिल चुका है। अब बात कर लेते हैं इसका सेटअप किस तरह से करेंगे, तो चलिए सेटअप स्टार्ट करते हैं। इसके सामने आपको सेटअप का बटन मिलेगा, आपको सिंपली सेटअप वाले बटन पर टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, नीचे की साइड आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो भी रियल नेम है, एडमिन नेम, वो आपका यहाँ पे शो हो जाता है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अगेन नेक्स्ट पे टैप कर देना है। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप करेंगे तो आपके सामने फिर से न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद में आपके सामने इस तरह का पेज नहीं आएगा, यहाँ पे मैंने अपने एक पेज पे और अपनी प्रोफाइल पे पहले से इसको एनेबल करके रखा हुआ है, तो मेरी टैक्स इन्फॉर्मेशन बैंक अकाउंट मैंने यहाँ पे लिंक किया हुआ है, इसलिए मुझे वहाँ पे ऑप्शन देखने को नहीं मिला, डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल और देनी होगी, जैसे कि आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना होता है, इसके अलावा अपना एड्रेस वगैरह देना होता है, ये सारी डिटेल नॉर्मल डिटेल होती है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी डिटेल आपको देनी है। और इसके बाद पूरी डिटेल यहाँ पे फिल करके नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाता है, यानी कि आपका यहाँ पे सेटअप तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अब आपको अपना पेमेंट मेथड ऐड करना होगा जिसमें कि आपको पेमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मैनुअली का ऑप्शन मिलता है, सेकंड आपको यहाँ पे पेपल अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप अपने स्टार के द्वारा जो अर्निंग होगी उसको पेपल में लेना चाहते हैं तो पेपल अकाउंट को लिंक कर सकते हैं, और अगर आप अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं तो आपको मैनुअली लिंक बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले तो आपको अपनी बैंक कंट्री यहाँ पे एड कर देनी, यानी कि जहां पर भी आप रहते हो कंट्री आपको यहाँ पे दे देनी है। इसके बाद आपको अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि बैंक में आपका जिस नाम से अकाउंट है वो नेम आपको यहाँ पे दे देना है। अपने बैंक का आपको स्विफ्ट कोड यहाँ पे एंटर कर देना, स्विफ्ट कोड आपको ब्रांच से मिल जाएगा। इसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है, और ये सारी डिटेल फिल करने के बाद नीचे की साइड आपको लिंक पे आउट मेथड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको टैप करना है।
जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एड योर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे अपने टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो सिंपल सा प्रोसेस है, उसको मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरह से करना। नीचे आपको बटन देखने को मिल रहा है एड टेक्स्ट इन्फो, इस पर आपको टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे आपको इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको दोनों जगह पे नो कर देना है। ये आपसे पूछ रहा है कि आप यूएस के सिटीजन है, तो यहाँ पे नो कर देना है। इसी तरह से आपको नीचे भी नो कर देना है। दोनों जगह नो करने के बाद आपको नेक्स्ट पे टैप करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी सिटीजनशिप ऑफ कंट्री सिलेक्ट करना होगा। तो आपको यहाँ पे आप जिस भी कंट्री में रहते हैं वो कंट्री आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आपको जो ऑप्शन मिलता है उसको आपको टिक मार्क लगा देना है। इसके बाद आपको अगेन यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे टैप करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल जो भी आपने दी होगी वो आपको यहाँ पे शो करा दी जाएगी। इसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट पे टैप करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे टैप करेंगे यहाँ पर आपको तीन चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको ये 0% ऑफ सर्विस वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है और अगेन आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको आई कंसेंट टू प्रोवाइड वाले ऑप्शन को आपको टिक मार्क लगा देना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर नीचे की साइड आपको इस टर्म्स एंड कंडीशन वाले ऑप्शन को टिक मार्क लगा देना है और सिग्नेचर की जगह पर आपको अपना साइन कर देना है, यानी कि आपको अपना पूरा नेम यहाँ पे एंटर कर देना है। यहाँ पे आपकी डेट ऑटोमेटिक ले लेगा जिस डेट को आप ये अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। बस दोस्तों, जैसे आप इतना प्रोसेस कर लेंगे तो आपका पूरा सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद फेसबुक की टीम आपके अकाउंट को यहाँ पे रिव्यू करेगी और उसके बाद आपको वहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा। और जैसे आपको अप्रूवल मिल जाएगा तो आप जो भी पोस्ट वगैरह डालते हैं, रील्स वगैरह, वीडियोज वगैरह अपने फेसबुक पे, अपनी फेसबुक आईडी पर या फिर अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करेंगे, उसमें ऑटोमेटिक वहाँ पे स्टार का फीचर आपके व्यूवर्स को देखने को मिलेगा। और उन्हें अगर आपका कंटेंट अच्छा लगता है तो उस पर क्लिक करके वो आपको स्टार वगैरह सेंड कर सकते हैं या पैसे में कन्वर्ट करके अपने पेपल अकाउंट में या फिर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और इससे आप फेसबुक के थ्रू अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।